नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सायमा। अयोध्या में प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पूजा अर्चना और अनुष्ठान किए जा रहे हैं। इस बीच में रामलला की एक तस्वीर भी खूब वायरल हो रही है जिसमें प्रभु के नेत्र खुले हुए दिखाई दिए, जिसके बाद राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने नाराजगी जाहिर की है। तो क्या कुछ कहा है जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को होना है। इससे पहले ही राम भक्तों के लिए एक तस्वीर सामने आई जिसमें रामलला की मूर्ति दिख रही थी, साथ ही उनके नेत्र भी दिखाई दिए। तस्वीर सामने आने के बाद राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने नाराजगी जताई है और कहा कि ऐसा स्वरूप मिल नहीं सकता, अगर ऐसा हुआ तो उसकी जाँच होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा तक भगवान के नेत्र नहीं खुलेंगे। आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि जहां नई मूर्ति है वहीं प्राण प्रतिष्ठा के नियम हो रहे हैं, अभी उसे खोला नहीं गया है, शरीर को कपड़े से ढक दिया गया है। भगवान रामलला की जो तस्वीर वायरल हो रही है सब झूठा है। जब मूर्ति तैयार हो जाती है, जिस मूर्ति का निर्णय हो जाता है कि इसे वहां ले जाना है, तो उनके नेत्र बंद कर दिए जाते हैं, उसके बाद स्थापित कर दिया जाता है। ये काम है वही होता है। जो आँख खुली हुई मूर्ति दिखाई गई है वो सही नहीं है। आचार्य ने कहा मूर्ति का ऐसा स्वरूप मिल नहीं सकता, अगर मिल गया तो उसकी जांच होगी। ऐसा किसने खोल दिया और किसने ये किया, कैसे ये मूर्ति वायरल हो गई, उसकी जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा तक पूरा सिंगार होगा लेकिन नेत्र नहीं खुलेंगे। इस समय मंत्रों के द्वारा और कर्मकांड को लेकर हो रहे हैं। इस बीच रामलला के शरीर के अन्य हिस्से खोल सकते हैं लेकिन नेत्र नहीं खुलेंगे, क्योंकि शरीर के अन्य हिस्सों में पुष्पाधिवास जलाधिवास देना होता है। साथ ही बाकी जो भी प्राण प्रक्रिया है वो प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन की जाएगी। आपको बता दें कि आज प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान का पांचवा दिन है। आज से ही प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अतिथियों का अयोध्या पहुंचना भी शुरू हो गया है। अब से अयोध्या में सिर्फ उन्हीं लोगों को एंट्री मिलेगी जिनके पास रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण होगा। साथ ही स्थानीय लोगों के लिए पास जारी किए गए हैं ताकि उनके आवागमन में कोई बाधा ना हो। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।